एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 6 इज द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 फाइंड द हाइट ऑफ द कोन. वॉल्यूम इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर इज 28, सो रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द कोन. यू विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम इज 9856, 14 × 14 × h. h. कटिंग करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ h. Next is find the slant height. उन्हें ऐसा formula बोलो slant height का. Slant height is equal to L is equal to under root h square plus r square. H is 48, radius is 14. What is 48 square multiplied? क्या आ रहा? 14 स्क्वायर इज एड देम. Under root 2720. Is it perfect square? 2304. After adding, what you are getting? 2500. Answer is 50. Slant height is 50 centimeters. उठ के खुद कर लो. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. रिधिमा बोलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. बोलो पाई आर एल.
find the curved surface area of the cone, that is pi r l. 22 by 7, radius is 14 and slant height is 50. Centimeter square. अंडर रूट नहीं लगा, स्क्वायर लगाओ या उस साइड पे अंडर रूट लगा दो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए राइट ट्रायंगल एबीसी हूज साइड इज 5, 12 एंड 13 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12. One right angle triangle is there. This is a right angle triangle. 13 is the longest of all the sides, so it will be surely your hypotenuse. And remaining two sides can be taken as base and perpendicular. Now the question is, you have revolved this right angle triangle about the height. Means height ko fix karke, is side ko aise revolve ki hai. देखो इधर, ये इसकी हाइट है 12, हाइट को यहां फिक्स कर दिया और इसको ऐसे रिवॉल्व कर दिया. क्या फॉर्म होगा? कोन फॉर्म होगा. उसकी हाइट क्या होगी? 12. और ये इसका क्या बन जाएगा? रेडियस. मतलब जो पूरा नीचे सर्कल बनेगा उसका रेडियस आ जाएगा 5, हाइट इज 12 एंड दिस 13 इज, ये क्या है? Slant height. This is your slant height. Got it? Now the question is, you have to find the volume of the solid so obtained. Pehle to solid likhna hai. Solid is cone and you have to get the volume of that cone, that is 1 by 3 pi r square h. Volume is 1 by 3 pi r square h. Pi is 22 by 7. Radius is 5 into 5. And height is 12. Solve it and get the answer. Get the answer in decimal or you can get it in mixed fraction also. And you can write it in one more way. As you know that 22 by 7 is the value of pi, 100 pi can also be written. Got it? 22 by 7 is your pi and 100 is left. So this can be written as pi. So answer will become 100 pi. ठीक है, मींस इफ यू आर नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, यू कैन राइट हियर पाई, सो योर आंसर विल बिकम 100 पाई. दिस यू विल कम टू नो लेटर ऑन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई वी हैव रिटन सो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, द क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन सेम, बट इंस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट द साइड 12, यू आर गोइंग टू रिवॉल्व इट अबाउट 5. ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है. नाउ इंस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग अबाउट द साइड 12, वी आर रिवॉल्विंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट द साइड 5. नाउ 5 विल बिकम हाइट. हाइट इज 5, रेडियस इज 12
एंड स्लांट हाइट इज 13 एंड वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई यू कैन कीप एज इट इज, लीव इट, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई. अगर आपको एक सिंगल क्वेश्चन आ जाता है तो पूरा सॉल्व कर देना, अगर दोनों क्वेश्चन का कंपैरिजन आ जाता है तो पाई मत पुट करना. अगर आता है फाइंड द वॉल्यूम ओनली तो पूरा सॉल्व करना है डेसिमल में, और अगर क्वेश्चन आता है दो कोन है दोनों का रेशो निकालो तो फिर पाई में ही छोड़ के रेशो में कटिंग हो जाएगी, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं. आपको समझ आया पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रही? क्योंकि रेशो फाइंड करनी है दोनों वॉल्यूम की. मत कर. रेडियस इज 12 एंड हाइट इज 5. कितना आ गया? 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब. नाउ इन द नेक्स्ट, इन दिस सेम क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू कोन्स. क्या हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम है? इसको नीचे रख. दोनों कोन्स के जो वॉल्यूम आ रहे हैं उनकी रेशियो फाइंड करनी है. 100 पाई अपॉन 240 पाई, पाई विल कैंसिल आउट, गेट द रेशियो. रेशियो इज, एंड में लिखनी है ये, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए. 100 पाई अपॉन 240 पाई, 5:12, that is 5:12. Answer is 5:12. कई तो बैठना ही भूल गए हैं कि क्लास में बैठे हैं कि घर के बेड पे बैठे हुए हैं. इस साइड हो कोई बात, इधर हो जा, नहीं दिख रहा तो खड़े होके देखो. स्टैंड अप. दिख भी गया, जल्दी दिख गया, उठ के देखो ना. हाँ जी, इस साइड हो जाओ, इस साइड पे शिफ्ट हो. डन. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन हुज डायमीटर इज 10.5. एक व्हीट का कोन है, वीट को जो है ना, जब उसने ग्राउंड पे पोर किया वीट को, तो वो कोन की शेप फॉर्म कर रहा है. इसका डायमीटर जो है वो 10.5 है. इफ डायमीटर इज 10.5 देन रेडियस इज 5.25 और यू कैन गेट इट इन सेक्शन आल्सो. क्या आएगा? 21/4. ये आ गया रेडियस. एंड हाइट इज 3 मीटर. हाइट गिवन है 3 मीटर. फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम फाइंड करना है. सौ में क्या होता है वॉल्यूम? वन बाय थ्री पाई आर स्क्वेयर एच. डाउन. पाई इज 22/7. रेडियस इज 5.25 इंटू 5.25 और यू कैन टेक 21/4. 21/4 एंड हाइट इज 3.
क्या आ रहा है? गेट द आंसर इन डेसिमल ऑल्सो. क्या Now this heap is to be covered with the canvas cloth. You have to find the area of the cloth required. Means you have to find. Japreet, what is the formula for curved surface area? Very bad. Hanji, Jagnoor, Brijesh, Pai. पाई आर स्क्वायर एल नहीं होता, बोलो. पाई आर एल. कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल. नाउ वी वांट हियर, क्या फाइंड करना है पहले? जगनूर बोलो फॉर्मूला स्लांट हाइट का. स्लांट हाइट इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सिट डाउन. Now it is little bit complicated. Decimal में दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा complicated है. देखो करना तो है ही है. Height is 3, radius is 21/4 whole square, or you can take it in decimal also. If you want to take 5.25, you can write 9 + 441/16. Multiply कर लो 144 + 441/16. After adding, you will get 585/16. डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा 36.5625. ठीक है, या आप स्टार्टिंग में डेसिमल में ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं. एक मिनट देखो इधर, अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5.25 होल्स पे. ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9, इसका स्क्वायर आ जाएगा 27.5625 और प्लस करके आ जाएगा ये 36.5625. अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है, याद है? कब किया था ये? एट्थ में भी किया था. एट में किया था जब ऑनलाइन क्लासेस थी सब, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में. चलो वो तो पता ही है, जो अब कर रहे हैं वो कौन सा आता है? अभी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने ही गलत बोला था पहले. चलो ऐसे सॉल्व करते हैं. देखो 6 6 36 माइनस कर दिया 0, ये डेसिमल की जगह डेसिमल, 6 का डबल 12, 56. पूरा नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो तो 121 बनता है, ये तो छोटा है, तो 0 लेंगे. यहाँ 0 आ गया, ये 0 हो जाएगा 56. एक्चुअली डिवाइड नहीं हो रहा ना, अगर आप सबसे लीस्ट नंबर 1 भी लेते हो तो क्या आएगा? 121. तो 121 तो इससे बड़ा है 56 से, इसलिए नहीं लिया, 0 लिया. नेक्स्ट ले लो नंबर, क्या आएगा? 20. पूरा पेयर नीचे आता है इसमें. 60 का डबल, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 120. अब यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए? द नंबर शुड बी सेम. 4 से करेंगे मल्टीप्लाई. 4 4 16, 184. अगर 5 लेते ना तो इससे बड़ा आ रहा था, इसलिए नहीं लिया. ठीक है, ये 4 आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 6.04. ये नोट कर लेना साथ में, नहीं तो बाद में नहीं पता चलेगा कहाँ से आया. ठीक है, पहले इतना नोट करो, अभी रहता है ये. अभी तो एल आया है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है अभी. पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. 14,
ट्वेंटी, 27, 28, 29, 38, 44, 45, 41. Now you have to get the curved surface area, that is pi r l. Radius is 21/4. Curved surface area, you have to find, put this value of l, that is slant height. ठीक है, पहले नोट कर लो, वहीं पे करते हैं आगे फाइन. ऐसे लिखेंगे वही निकालना, निकालो. लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लो, क्या कर रहे हैं. हां जी, कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, कि जिसकी भी आवाज है ना इसे अपने आप बंद कर लो. स्लांट हाइट इज 6.04. करो मल्टीप्लाई, 90. क्वेश्चन है, अभी आंसर करेंगे इसके बाद. कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड की है, क्लोथ नहीं निकालना था कितना यूज हुआ है कवर करने के लिए कैनवस. 99.66 मीटर स्क्वायर क्लोथ विल बी यूज्ड टू कवर द हीप ऑफ व्हीट. ठीक है, ये मटेरियल ऑफ कैनवस है, जितना मटेरियल यूज हो रहा है ना कैनवस का वो यूज करना है, ये वाला है. यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिगार्डिंग द स्फीयर, एंड स्फीयर यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. कर्व्ड सरफेस एरिया वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज 4πr². Now in the next exercise, you will find the volume of the sphere, that is 4/3πr³. 4/3πr³. And volume of hemisphere is 2/3πr³. Start first question, first part. Hurry up, do it. First question, first part. Tomorrow you have test. Tomorrow you have test na? 13.345. ठीक है, three exercise test is there. And in the next test you have remaining exercise for the test. Till this is the last exercise. Start solving the first sum. Brijesh, idhar. First part is radius is 7. Find the volume, that is 4/3. Ridhima, kahan hai dhyan? Radius is 7. Volume is 4/3πr³. Radius is 22/7. 7 into 7 into 7. कितना आ रहा है? 7/1. Next,
सेकेंड पार्ट होमवर्क, सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू इज फाइंड द अमाउंट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 20 इंच. अब देखो इधर, अगर किसी भी चीज के अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे सपोज करो सिलेंडर है, इसके अंदर ये वाटर यहां तक फिल है. अगर आप इसके अंदर एक सॉलिड बॉल डालते हो तो पानी का लेवल रेज हो जाएगा, होगा या नहीं? होगा ना. कोई चीज डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है. तो जितना ये वाटर का लेवल इंक्रीज होगा ना, ये उतना ही इंक्रीज होगा जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा. तो क्वेश्चन नंबर टू में आपको कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर. कहता है एक बॉल है जिसका डायमीटर 28 है, रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा 14. कहता है ये कितना पानी डिस्प्लेस कर रही है, मतलब जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा. ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉल. ठीक है, ये फाइंड करना है. अब वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब एच आएगा, पाई आर क्यूब, एच नहीं आएगा, एच नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी क्यूब है. तो 4/3 22/7 14 × 14 × 14 कर लेना इसे मल्टीप्लाई, यही पार्ट कर लेना, फर्स्ट पार्ट ही कर लेना.